पहले के टाइम में क्या होता था घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी या टिपिकली जो अरेंज मैरिज में भी होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की है कल को कुछ गलत हुआ भी तो फैमिलीज आपस में बात कर लेती हैं बट वेन इट कम्स टू मेकिंग योर ओन गोइंग टू बी एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स फिर चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे करियर हो क्योंकि डिसीजन में इम्प्लाइड है कि वो डिसीजन गलत भी हो सकता है Correct. जैसे इंडिया में अगर आज की रेट में हम देखते हैं तो जो डिवोर्स रेट है वो बढ़ता चला जा रहा है पहले के टाइम में इतना नहीं होता था बेसिकली पेशेंस मिसिंग है सबसे ज्यादा जो मिसिंग है बेसिकली आज की डेट में वो है कि वी डोंट नो एग्जैक्टली कि हमको किस तरह का इंसान चाहिए अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए तो ये तो पहले भी नहीं पता था पहले हम ऐसा सोचते ही नहीं थे कि मेरे को कैसे इंसान चाहिए दिल्ण वो डिसीजन कोई और लेता था अब आपको खुद को लेना है डिसीजन तो नाउ यू नीड टू फिगर आउट जैसे फॉर एग्जांपल पहले के जमाने में क्या होता था करियर आप खुद नहीं चूज करते थे उनके घर वाले उनको बता देते हैं कि तुम्हें यही करना है सरकारी नौकरी करनी है तो करनी है किसी भी तरह से तुमको क्रैक करना है तो उनके खुद के माइंड में कंफ्यूजन नहीं होता है हाँ, अगर उनका क्वेश्चनिंग माइंड है वो एक्चुअल में इंटेलिजेंट है तो वो क्वेश्चन पूछेंगे कि यही क्यों करना है वो क्यों नहीं करना है इतने सारे ऑप्शन है बट जैसे ही वो ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे तो ये मत समझो उनकी लाइफ अच्छी हो जाएगी उनकी लाइफ और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो कुछ अच्छा कर पाएंगे बट शॉर्ट टर्म में इज गोइंग टू बी लॉड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट लॉर्ड ऑफ टर्म ऑयल बिकॉज एक तरफ़ से उनके पेरेंट्स होंगे जो उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेंगे कि हमारे हिसाब से चलो एक तरफ से उनको खुद को करना है प्लस उनसे गलतियाँ भी होंगी अब गलतियाँ जब होंगी तो और ज़्यादा सब लोग मिल करके उसको रियलाइज कराएंगे कि देखो तुमसे गलती हो गई True. तो बेसिकली ये जो सारी की सारी जो प्रॉब्लम है ना चाहे रिलेशनशिप हो चाहे करियर हो दोनों इंटर रिलेटेड है क्योंकि अल्टीमेटली क्या है डिसीजन कमिटमेंट टू वन थिंग और वन पर्सन इट बॉयल्स डाउन टू कि भाई हमको डर लग रहा है डीप डाउन कि कहीं मेरा डिसीजन गलत ना हो जाए तो कैसे क्लैरिटी uh, दी जाए कि आप जो सोच रहे हैं या तो उस पर रिसर्च की जाए उस उस टॉपिक पे या प्रोबेबली अगर आपको कोई पसंद है तो पहले उसे टाइम दो उसको ऑब्जर्व करो क्या करना चाहिए जिससे आपको आपको क्लैरिटी हो कि ये जो मैं चॉइस करने वाली हूँ अब ये मेरे लिए है और अब मैं इसे पीछे नहीं हटूँगी ऐसा कॉन्फिडेंस कैसे आए देखो सबसे पहले स्टेप में तो चाहे वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो गिव इट सम टाइम एकदम से हाँ मत करो बिकॉज द मोमेंट यू से येस तो फिर सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है अब आपने एक बार कमिट कर दिया अरेंज मैरिज में मानो कि एक दो बार आप मिले और आपने हाँ बोल दिया अब आप पीछे हटोगे तो अननेसेसरी प्रेशर्स क्रिएट होंगे बट जब तक आपने हाँ नहीं बोला है चाहे कितना भी प्रेशर आए कि आई वॉन्ट टू मीट दैट पर्सन अगेन मे बी टू टाइम्स फाइव टाइम्स टेन टाइम्स कहने का मतलब है कि गिव इट सम टाइम ओके कमिटमेंट इतनी जल्दी नहीं करना बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि पूरी लाइफ का सवाल है ना जैसे करियर है करियर में एकदम से आपने कोई चीज करी नहीं है बस किसी को करते हुए देखी है और आपको लगता है कि ये करियर मेरे लिए बहुत अच्छा होगा और आपने कमिट कर दिया और वहां पे आप गए उस ऑफिस में आपने ज्वाइन किया चार दिन बाद समझ आया अरे मैं गया इट हाँ, ये हुआ ना आपके साथ में राइट ऐसा ही रिलेशनशिप में भी होता है कि होता क्या है हम जल्दीबाजी में कमिट तो कर देते हैं बाद में हमको लगता है अरे ये कहा फंस गई मैं ये मैं कहाँ फंस गया ये तो बिल्कुल ही अलग पर्सनैलिटीज है मतलब ऊपर ऊपर लेवल पे तो डिफरेंसेस रहेंगे वो तो अच्छा है बोलते हैं ना अपोजिट अट्रैक्ट तो वो तो अच्छा है बट जो फंडामेंटल्स हैं वो अलाइंड होने चाहिए मतलब जो बेसिक वैल्यूज हैं आपकी और सामने वाले पर्सन की दैट हैज टू बी अलाइंड ओके कि आपने अपने लिए डिफाइन किया कि मेरे लिए ये टॉप फाइव प्रायरिटीज हैं इस रिलेशनशिप की बाकियों पे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है बट ये पांच चीजों पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए ट्रू ऐसे ही क्या वो सामने वाले की उन पांच चीजों से मैच होता है

करियर स्टेबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या उसका बिहेवियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या वो रिस्पेक्ट कैसे करता है कैसे नहीं करता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अब ये मत देखो वो आपकी रिस्पेक्ट करता है नहीं करता है ये देखो कि एक गरीब आदमी की कितनी रिस्पेक्ट करता है वो क्योंकि अगर रिस्पेक्ट कोई इंसान करता है तो या तो वो सबकी करता है या किसी की भी नहीं करता है ये देखो उसके थॉट्स अपनी कंपनी के बारे में लेकर के क्या है अपने बॉस के बारे में क्या है अपने पेरेंट्स के बारे में क्या है तो ऐसे आपको देखना है कुछ पांच चीज़ें पहले तो डिफाइन करनी है और ये माइंड में नहीं करनी है लिख करके करनी है

कि मैं इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ अगर इस पूरे प्लान पर आपको अकेले छोड़ दिया जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते यू नीड पीपल टू सर्वाइव ट्रू यू नीड पीपल टू सपोर्ट यू यू नीड पीपल टू हेल्प यू तो एक टीम की जरूरत पड़ती है लोगों की जरूरत पड़ती है फ्रेंड्स की जरूरत पड़ती है रिलेटिव की जरूरत पड़ती है तो बेसिकली क्या होता है इंटर रिलीजन में आप ये कह सकते हो एक तरह के ग्रुप हो गया तो वो अपने ग्रुप से आइडेंटिफाइड है तो वहां पर एक दूसरे के साथ में जेलअप करना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि बहुत कुछ कॉमन होता है वहां पर डिस्कस करने के लिए प्लस उन्हें यह पता है कि सिर्फ उनके स्टैंड पॉइंट से नहीं आपके स्टैंड पॉइंट से भी यू विल बी मोर कंफर्टेबल इन द काइंड ऑफ एनवायरमेंट जिस तरह के एनवायरमेंट में आप बड़े हुए हो एकदम से आपको ले जाके एक अलग एनवायरमेंट में डाल देंगे तो यू विल स्टार्ट फीलिंग अनकंफर्टेबल तो इफ यू आर रेडी फॉर दिस डिस्कंफर्ट इन द शॉर्ट टर्म क्योंकि नई आदत कोई भी हम चेंज करते हैं ना तो उसमें डिसकंफर्ट होता है फॉर एग्जाम्पल आप बचपन से ही पहाड़ों में रहे हो माउंटेन्स पर रहे हो हिमालय में रहे हो और बहुत एक ठंडे एटमोसफेयर पर रहे हो आपको एकदम से ले जा करके रेगिस्तान में शिफ्ट कर दिया जाए जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो क्या होगा इट विल टेक सम टाइम तो ये पता होना चाहिए अगर आप ये सोचते हो कि भाई मैं इंटर रिलीजन मैरिज कर लूँगी और सब कुछ बहुत बढ़िया रहेगा घर वाले भी खुश रहेंगे दोनों के घर वालों में क्लाशेज होने के चांसेस हैं आपके भी आपस में क्लाशेज होने के चांसेस हैं जब भी दो अलग अलग लोग बिल्कुल अलग अलग बैकग्राउंड से अलग अलग थॉट प्रोसेसिस से अलग अलग रिलीजन से एक साथ में आएंगे तो फैमिली के लेवल पे भी क्लासेज होंगे पर्सनल लेवल पे भी होंगे सब कुछ होगा बट ये पहले से क्लियर होना चाहिए कि हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है इस रिलेशनशिप में वो ये पांच चीज़ें हैं वो पांच चीज़ें तुम में भी है मुझ में भी है तो वो जो क्लासेज आएंगे वो कुछ टाइम तक आएंगे पहले से पता होना चाहिए ताकि जब क्लैश आए तो आप एकदम से ये ना हो जाओ कि ये क्या हो रहा है ट्रू तो आपको पता होगा कि कुछ महीनों तक प्रॉब्लम रहेगी दो चार छह महीने मैक्सिमम एक साल सब कुछ सेटल होने में टाइम लगेगा जैसे कुछ आंधी तूफान आएगा तो वो कुछ दिन तो रहेगा बट यू मस्ट बी मेंटली प्रिपेयर टू फेस दैट इफ यू आर रेडी फॉर इट देन इट्स ओके आप दोनों तैयार हो कि प्रॉब्लम्स आएंगी अगर दोनों बहुत मेच्योर हैं तो क्या ऐसी कंडीशन में इस चीज को सोचा जा सकता है या नहीं सोचा जा सकता कि मतलब उसमें कोई बुराई नहीं है किसी ऐसे पर्सन के साथ शादी करने में जो कि बिल्कुल ही एक अलग बैकग्राउंड से आ रहा है आप तो रिलीजन की बात कर रहे हैं आई एम टॉकिंग इवन अबाउट नेशनैलिटी फॉर दैट मैटर कि आप इंडियन हैं और कोई है जो मान लो अफ्रीकन है या यू एस है या यूके से है या कहीं और से है तो एक तरह से दो अलग अलग कल्चर्स हो गए ना ट्रू तो यू कैन इवन गेट मैरिड टू दैट पर्सन बशर्ते इफ इफ यू यू आर आर रेडी रेडी टू टू फेस द चैलेंजेस दैट यू आर गोइंग टू फेस इन द शॉर्ट टर्म एंड इवन इन द लॉन्ग टर्म आपको ये रेडी होना पड़ेगा बिल्कुल ऐसा है जैसे आप जिम ज्वाइन करते हैं नया नया तो आपको पता है कि जो शुरू के कुछ महीने हैं वो बहुत मुश्किल होने वाली है बहुत पेन होने वाला है तो यू हैव टू गो थ्रू दैट पेन तो इफ यू आर मेंटली रेडी फॉर इट तब तो आप जिम में टिकोगे नहीं तो जिम को छोड़ दोगे चार दिन में जैसे नाइन्टी लोग छोड़ देते हैं तो ऐसे ही अगर रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर्ड हो आप दोनों ही कि अब जो भी होगा वी विल ओवरकम इट नो मैटर वॉट इस अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ में अंदर नहीं जाना है कि नहीं नहीं सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा hmm. हम एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ एक रिलेशनशिप में चले जाते हैं कि हमको एक दूसरे से प्यार है जबकि इस वर्ड को ही हमने कभी फिगर आउट नहीं किया वर्ट दिस लव एज जिसको हम लव कहते हैं वो कुछ नहीं है वो कुछ टाइम का एक अट्रैक्शन होता है इन मेजोरिटी ऑफ द केसेस कि एक दूसरे के एट्रीब्यूट्स की तरफ अट्रैक्टेड हैं जब रियलिटी सामने आती है तो लव व सब मिट्टी हो जाता है सो सर टेल अस मोर अबाउट आई हर्ड पीपल से

अल्टीमेटली वोट यूंगव विद माई आइडिया ऑफ गॉड तो यू आर इन लव विद योर ओन बिलीफ योर ओन आइडिया यू नॉट इन लव विद गॉड क्योंकि गॉड से अगर आप जाकर के पूछोगे कि आई यू इन लव विद मी बुकेंगे आप कौन हो तो यू आर इन लव विद योर ओन इमेजिनेशन विच इज ओके बिकॉज इट गिव्स यू काइंड ऑफ अ साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी जो कुछ लोगों के लिए बहुत जरूरी होती है कि इस लोनली वर्ल्ड में टाइम्स वी नीड समथिंग टू होल्ड ऑन टू जब सब कुछ छूट रहा होता है जब बाहर सब कुछ तहस नहस हो रहा होता है तो वी नीड समथिंग टू होल्ड ऑन टू जैसे कोई इंसान है वो भूतों से बहुत डरता है तो उसको एक ताबीज दे दिया जाता है कि ये पहन ले तो कोई भूत तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा तो वो ताबीज़ काम करता है किस लेवल पे करता है साइकोलॉजिकल लेवल पे करता है एक्चुअल में कोई भूत से नहीं बचाता है उसको क्योंकि भूत है ही नहीं तो भूत से बचाएगा क्या <laughs> ऐसे ही ये जो साइकोलॉजिकल बिलीफ सिस्टम होता है ये हमको बचाता है एक कम्फर्ट देता है आपको ये होता है आई एम इन लव विद गॉड वॉट डज दैट मीन कि चाहे कुछ भी होगा मेरे साथ बुरे से बुरा भगवान मेरे साथ कुछ बुरा नहीं कर सकता है तो आपको एक पॉजिटिव अप्रोच मिल रही है लाइफ में या फिर मे बी आपके आगे कोई आइडल है किसी मंदिर में आप गए वहाँ पर जाकर के आपने हाथ जोड़े अपना सर झुकाया एंड यू जस्ट लेट गो कि भगवान अब मेरे से नहीं हो रहा तू संभाल ले तो दैट्स बेसिकली एंटरिंग इनटू अ स्टेट ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड कंपैशन एंड लव What is love? वॉट इज लव लव इज टू बी वन विद द होल इन दैट मोमेंट यूर वन विद होल यूर वन विद द यूनिवर्स क्योंकि आपका मैं बीच में से हट गया है जब आपने सरेंडर कर दिया है आपने भगवान के आगे जाकर के सर झुकाया और आपने अपने आपको surrender कर दिया जो आपका thought है जो बहुत ही fragmented है जो बहुत ही limited है उससे आपने अपना control छोड़ दिया तो अब आपकी नेचर की इंटेलिजेंस आपके थ्रू ऑपरेट कर रही है उस मोमेंट में फ्री कर दिया अपने आपको वही तो करना होता है जैसे कोई बीमारी है उसे हील कैसे होते हैं जानवरों के अंदर ये इंटेलिजेंस फीडेड है जानवर क्या करते हैं जैसे ही कोई बीमारी होती है वो अपने आप को सरेंडर कर देते हैं वो खाना पीना छोड़ देते हैं जा करके लेट जाते हैं तो एक तरह से आप कह सकते हो कि उन्होंने नेचर की इंटेलिजेंस को अपने आप को सरेंडर कर दिया हम क्या करते हैं जब बीमार होते हैं तो माँ बाप क्या करते हैं जा कर के बच्चे को और खिलाते हैं कि हाँ। ताकत आएगी अरे ताकत नहीं आती है उससे वो ताकत डाइजेशन में चली गई डाइजेस्ट करने में लग गई उस वक्त ताकत चाहिए थी लेकिन हमने और गड़बड़ कर दी तो ये क्या किया हमने थॉट के लेवल पे हमने गड़बड़ कर दी नेचर की इंटेलिजेंस जो है वो संभाल लेती है चीज़ों को हमको पुए के साथ जोड़ देती है इस जुड़ने को ही योग कहते हैं जुड़ने को ही प्यार कहते हैं सो कंपैटिबिलिटी आपने बोला आप मुझे बताएंगे कंपैटिबिलिटी और केमिस्ट्री ये कैसे जरूरत है और कैसे अलग है? दोनों बड़ी अलग अलग चीजें हैं एक है केमिस्ट्री केमिस्ट्री मतलब क्या कि केमिकल लोचा जो हमारे ब्रेन में होता है किसी को देख करके यू कैन कॉल इट अट्रैक्शन यू कैन कॉल इट जैसे किसी को देखा तो एकदम से अंदर डोपोमिन रिलीज हुआ सेरेटोनिन रिलीज हुआ या कोई केमिकल ऐसा रिलीज हुआ एक फील गुड एक ऑक्सीटोसिन एक केमिकल होता है किसी को टच किया तो एक केमिकल रिलीज होता है तो वी फील गुड तो दैट यू कैन कॉल इट इटाइज केमिस्ट्री ये केमिस्ट्री जैसे इंसानों में ऑपरेट करती है वैसे जानवरों में भी करती है जैसे दो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं दो जानवर बिल्कुल ऐसे ही दो लोग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं उसका जो रीज़न होता है जो जड़ होती है वो केमिस्ट्री होती है बट केमिस्ट्री

केमिस्ट्री आपके बीच में बहुत अच्छी है बट एज फार एज रिस्पेक्ट इज कंसर्नड तो कंपेटेबिलिटी नहीं है सामने वाला आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है ट्रस्ट नहीं करता है या आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो तो ऐसी रिलेशनशिप का क्या करोगे mm -hmm. ऐसी केमिस्ट्री का क्या करोगे ये तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी True. अब आप क्या करोगे किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाओगे तो इस केमिस्ट्री को उस केमिस्ट्री के साथ कंपेयर करने लग जाओगे एंड दिस इज बैड दिस इज रियली बैड इसको ना क्वांटम फिजिक्स की फील्ड में बोला जाता है क्वांटम मैकेनिक्स में वॉट एवर इज नॉट फॉरबिडन इज मैंडेटरी इज कंपल्सरी यानी क्या कि मान लो पास्ट में आपका किसी के साथ में कोई ऐसा रिलेशनशिप रहा है जहाँ पे केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिकल इंटीमेसी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा था hmm. अब उसको आप भुला तो सकते नहीं वो मेमोरी में फिडेड है True. अब आप किसी पर्सन के साथ में गए कमिट कर लिया शादी कर ली बट अब आप उसको बार बार कंपेयर कर रहे हो तो एक तो आपकी ये रिलेशनशिप खराब हो रही है प्लस अब इज अ स्ट्रॉ पॉसिबिलिटी अब आप यहां से हटोगे और अट्रैक्ट हो रहे हो आप उसकी तरफ जहां पर आपको सिर्फ केमिस्ट्री वाइज कंपेटेबिलिटी है बाकी जो नौ चीजें वो सब बेकार है तो अब ना आप यहां के रहे ना वहां के रहे और खुद के तो रहे नहीं खुद का कैसे रहोगे यू आर लाइक स्टक ना अब आप बीच में फंस गए अब आप ना यहाँ हो ना वहां हो तो बेसिकली अब इस सब से कैसे बचा जाए आपको समझना होगा किस चीज की इंपॉर्टेंस कितनी है लाइफ में जिसकी जितनी है उससे ज्यादा दे दी तो फंस जाओगे मैंने आपके एक लेक्चर में आ, आपके एक सेशन में सुना था जब आप शादी कर लेते हो तो वही सब कुछ नहीं होता है वो एक रोल है आपका आपकी लाइफ उससे बहुत बढ़कर है आप सब कुछ हंड्रेड परसेंट मत सोचो अब यही सब कुछ है ये नहीं रहा तो कुछ नहीं रहा राइट और वो वर्ड्स बहुत पहले सुने थे चार पाँच साल पहले तो कुछ कुछ वर्ड्स हमेशा आपको याद रह जाते हैं जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्पेशल होते हैं इट्स बेसिकली बेस्ड अपॉन रियालिटी क्योंकि शादी आज की डेट में इट्स अ हार्श रियालिटी इट्स अ फैक्ट इट मे और मे नॉट वर्क देर आर लॉट्स एंड ऑफ़ फैक्टर्स क्योंकि अब बात होती है इक्वालिटी की पहले के जमाने में ये बात नहीं होती थी पहले क्या होता था पति है मतलब परमेश्वर है चरणों की दासी है stuff, right? सती, सती सती था। होती थी और वो सब होता था राइट right? अगर पति की डेथ हो गई है तो मर जाओ ये करो वो करो वॉटर तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं डीपली रूटेड थी हमारी सोसाइटी में आज से कुछ सालों पहले तक बट आज की डेट में क्या है लड़का लड़की कुछ नहीं होता है दोनों बराबर हैं। तो जहाँ बराबर है वहां पर क्या आ गया पार्टनरशिप आ गई। पार्टनरशिप में क्या देखना होता है बेसिकली कंपैटिबिलिटी को देखना होता है। सो so, आइडली क्या होना चाहिए कि चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे जो कोई न्यूट्रल कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई पर्सन बैठ करके उनका दोनों का कंपैटिबिलिटी टेस्ट करे जो ना लड़के वालों की तरफ से हो ना लड़की वालों की तरफ से हो जो ना इसका दोस्त हो ना उसका दोस्त हो आइडिया मिल गया लेकिन आज आई एम श्योर यहाँ पर बहुत लोग जो अभी देख रहे हैं ऐसे स्टार्टअप होने चाहिए आइडली होने चाहिए मतलब जब एक ऐसी वेबसाइट है जिसको बोलते हैं जैसे मान लो शादियों के लिए इसके लिए उसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से एक लड़का लड़की को मिलवाते हैं अरे तो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि कुछ ऐसी एक वेबसाइट होनी चाहिए या कोई ऐसी कंपनी होनी चाहिए जहाँ पर पैनल पर साइकोलॉजिस्ट हों जो कि ट्रेंड हों साइकोलॉजी को समझने में और वो दोनों की साइकोलॉजी को समझें और इसको प्रेडिक्ट करें फ्यूचर में इनके सक्सेसफुल होने के चांसेस क्या हैं? उसमें क्या होगा दोनों से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फिर उसको मिक्स एंड मैच किया जाएगा, कुछ दिन लगाए जाएंगे उसके ऊपर जो भी रीजनेबल सी होगी तो ये अपने आप में एक स्टार्टअप भी हो सकता है इट्स so uh, लाइक like, आप मुझे इतना दें मैं आपको इतना करूँगी बिल्कुल तो वो ग्रेटिट्यूड वो सेल्फलेस सर्विस मिसिंग है वो अब हो भी नहीं सकती प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है उसके पीछे रीज़न है क्या होता है वो तब तक ही हो सकती है जब तक एक इंसान का इंटेलेक्ट डेवलप नहीं हुआ है जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है वो बात करता है सरेंडर करने की वो वो ही कर सकता है सरेंडर जो कि एक्चुअल में भोला है इनोसेंट है वो सेल्फलेसली सर्विस भी कर सकता है या कर सकती है बट जो वेल well एजुकेटेड है और जिसका एक वेल फॉर्म्ड माइंड है वेल well फॉर्म्ड अपनी आइडेंटिटी है अगर उससे पूछो आप कौन हो तो वो पूरा प्रॉपर्ली डिफाइन कर सकता है या कर सकती है मैं ये थी पास्ट में अब मैं ये हूं अब मैं ये करने वाली हूं तो वो एक हार्डनड एक इंडिविजुअल है जिसका इंटेलेक्ट बहुत स्ट्रांग है तो वो दिखा तो सकता है बाहर से या दिखा सकती है कि नहीं मैं सेल्फलेसली ये करूंगा या वो करूंगी वो एक्चुअल में नहीं कर सकता है इट हैज़ टू बी गिव एंड टेक फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसे दो लोगों की मैरिज होती है जो कि वेल एजुकेटेड हैं और इंटेलेक्चुअली साउंड है और फिर अगर जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को मार रहा है पीट रहा है तो एडजस्ट नहीं कर सकती है शी कांट सरेंडर शी कांट बी सेल्फलेस देयर इट्स नॉट पॉसिबल एंड इट शुड नॉट हैपन डे से क्लियर होना चाहिए कि इट्स गोइंग टू बी अ पार्टनरशिप जिसके ये रूल्स होंगे और ना आप ब्रेक करोगे ना मैं ब्रेक करूंगी टॉकिंग टू टू यू 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 सेम फॉर डू इन योर लाइफ